हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, मैं हिमांश क्लियर आईपीएस क्लर्क एग्जाम एंड सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। दोस्तों, ये प्री लेवल डीआई रहेगी, पर ये दोस्तों एचबीआई क्लर्क की जो तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए ही है। तो जो अभी जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है वो दोस्तों डीआई स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि दो डीआई आई है आपके एग्जाम में, तो डीआई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और अभी से सीखोगे तब जाके आप मेंस के लिए भी अच्छा सीख पाओगे। तो ये डीआई दोस्तों काफ़ी अच्छे लेवल की है ये। अगर आपका पेपर दोस्तों थोड़ा टफर साइड पे भी जाएगा ना, अगर आपकी शिफ्ट टफ हुई, मान लो 4 शिफ्ट होती है जो टफ आती है, अगर उसमें आपका एग्जाम हुआ तो उसके लिए आप तैयार हो जाओगे इस डीआई से। क्योंकि बहुत आप आजकल क्या हुआ है, अभी लास्ट ईयर के जो प्रीलिम्स थे ना 2020 वाले, सारे टफ थे एज़ कम्पेयर टू 2019। तो इस बार भी थोड़ा लेवल हाई ही रहेगा। तो अपन मिसिंग डीआई करेंगे दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो लाइक करना दोस्तों, अच्छी लगे तो कमेंट करना। और आपको और कौन से क्वांटिटी टॉपिक चाहिए, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक चाहिए, और आप कमेंट किए कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट करोगे तभी मैं लेके आऊँगा, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। पहले आप खुद से ट्राई करना दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसमें मिसिंग डीआई में खुद से आप ट्राई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बताऊँगी तब आप कर पाओगे। तब स्टार्ट करता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है? तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों डीआई, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो दोस्तों, एचपी सक्सेस क्लासेस है टेलीग्राम चैनल, उसके अंदर सारी पीडीएफ्स है, प्रीवियस ईयर के एचबीए क्लर्क प्री के पेपर भी है उसके अंदर। और आपको अगर दोस्तों एचबीए क्लर्क के प्रीवियस ईयर के पेपर करने का वांट टू रीजनिंग के तो भी बता देना आप मेरे को, तो मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं अपन। टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई 4 डिफरेंट सेलर्स इन द 5 डिफरेंट मंथ्स, ठीक है? सेलर है ए बी सी डी और 5 मंथ दे रखे हैं अपन को, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है? इसके अंदर कुछ डाटा मिस है तो ये नोट में दिया हुआ है। सम डाटा आर मिसिंग इन द गिवन टेबल, फाइंड द मिसिंग डाटा इफ रिक्वायर्ड। और दोस्तों आज मैंने ट्राई किया कि फॉन्ट जो है ना, क्वेश्चन को मैंने बड़ा बड़ा लिखा है सारे अक्षर को, तो अगर आपको सही दिख रहा है तो आप इसका ज़रूर कमेंट करना कि हाँ सर आज बिल्कुल सही दिख रहा है, आज मैंने काफ़ी बड़े लिखे हैं, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं अपन, पहले क्वेश्चन से ही होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन के ऊपर ही है क्वेश्चन, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, एक मिनट थोड़ा मैं इसको सेट कर देता हूँ पेपर को, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं दोस्तों, ये पीओ लेवल की डीआई है, ध्यान से समझना आप, पूरा फोकस रखना, एक बार में समझने की कोशिश करना, ठीक है? मैं 100% दूंगा अपना। इफ सेलर ए सोल्ड 150 आइटम्स इन जनवरी एंड फरवरी टुगेदर, देखो ए के बात कर रहे हैं, जनवरी और फरवरी के अंदर है ना, ए 150 आइटम सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है? अब जनवरी तो अपने पास है ही नहीं, फरवरी का डाटा मिस है। आगे बोला है नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेलर ए इन फरवरी एंड मार्च टुगेदर इज, तो फरवरी और मार्च का जो डाटा है ना वो बोल रहे हैं कि इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए इन मई एंड जून टुगेदर, ठीक है? तो मई और जून का टोटल कितना है ए का मैं लिख रहा हूँ इसलिए आपको समझाने के लिए, ठीक है ना? एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। मई जून का कितना है, 56, 6 इसमें कर देंगे 60, 90, ठीक है? अब इसका 80% है जो है फरवरी और मार्च का, तो इसका 80% कितना हो जाएगा, डायरेक्ट निकालेंगे, 1 0 से 1 0 तो परसेंट कट जाएगा, तो 72 आ जाएगा। तो ये 72 जो आया ना, ये है फरवरी प्लस मार्च का, ठीक है? तो ये एक ही बात कर रहे हैं अपन, फरवरी और मार्च का आ गया टोटल 72। ये 80% बोला है, 80% मोर देन नहीं बोला है, ये बोला 80% ऑफ द आइटम सोल्ड बाई ए इन मई एंड जून, तो मई और जून का दे रखा ये, इसका 80% कर दिया, ये आ गया फरवरी और मार्च का, ठीक है? अब अपन को स्टार्ट में क्या दिया है, स्टार्ट में अपन को दिया है जनवरी और फरवरी के टोटल आइटम जो सोल्ड हुए ना वो दिए हैं 150, कितने दिए हैं 150, ठीक है? फरवरी के और मार्च के अपन को पता है, अब देखो मार्च के अपन को टेबल पे पता है 48, अगर मार्च की 48 हैं तो फरवरी के कितने होंगे, 24 ही होंगे, 24 के डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन है याद है, 24 और 24 से 72, तो इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 ही आएगा, तो मार्च के होगा 24, और जनवरी फरवरी के अपन को पता है। तो अब हम आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन फाइंड नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन जनवरी बाई सेलर है, ठीक है? तो फरवरी के अपन को पता है 24 है, ठीक है? तो जनवरी के कितने हो जाएंगे, 126, कैसे, 150 माइनस 24 कर देंगे तो 126 आ गया, ये है जनवरी के, क्लियर हो गया? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, जिनको समझ में नहीं आया वापस देख लेना, मैंने पूरी अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है? कैसे डीए भी करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो आप, ठीक है?
चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ टोटल आइटम्स सोल्ड बाई सेलर बी, ठीक है, बी की बात कर रहे हैं, इन फरवरी एंड मार्च टुगेदर, तो फरवरी और मार्च, ठीक है, बी के अंदर बात करते हैं अपन, फेब प्लस मार्च, तो फेब का कितना है 42, मार्च का अपन को नहीं पता था, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए मान रहे हैं। टुगेदर टू टोटल आइटम सोल्ड बाई सेलर सी इन अप्रैल एंड मई टुगेदर इज 1:2। अब सी की बात कर रहे हैं, सी में अप्रैल और मई की बात कर रहे हैं, ठीक है, अप्रैल प्लस मई, ठीक है, तो सी ये रहा, सी के अंदर अप्रैल प्लस मई, तो मई इसमें भी मिस है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1:2, ठीक है। आगे बोला आइटम सोल्ड बाई सी इन मई, सी के अंदर मई का डाटा मिस है इज 64, ठीक है, तो अब मई का दे रखा है 64, तो 64 48 को ऐड कर देंगे अपन, 8 4 12 इसी तरह, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो दे रखा है, ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है 1:2, ठीक है। अब 2 की वैल्यू इसके बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 5 10 56 के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 56 टोटल है फरवरी मार्च का और ये 42 है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, क्लियर है। अब आगे बोल रहा है देन फाइंड द टोटल आइटम सोल्ड बाई सेलर बी इन मार्च, ठीक है, तो बी के द्वारा मार्च के अंदर कितने सेल किए, सोल्ड किए, तो वो आ गए 14, तो ऑप्शन नंबर है, ठीक है, काफ़ी इजी तरीके से बताया, समझ में नहीं आया वापस देखना, ठीक है, कुछ भी नहीं किया है, जो रेशियो दिया है ना इसको मैंने राइट फोल्ड किया है फटाफट, इतना भी नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी एग्ज़ाम में आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में क्या करना है आपको, राइट आपको पता है बी का 42 प्लस एक्स, ठीक है, 42 प्लस मिस है, फिर अपन को देखना है आगे क्वेश्चन पढ़ना है पहले, अप्रैल प्लस मई का, मई का दे रखा है तो इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट, और 1:2 दे रखा है तो 2 से डायरेक्ट कर देंगे 56, तो इधर 56 आएगा, तो ओरली सीख जाओगे आप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है ये, उनको मैं एक बार सेट कर देता हूँ, इसको सेट कर दिया, अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर बोल रहा है इफ़ नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाई सेलर डी, ठीक है, इन जून इज 50% मोर देन नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाई बी इन मई, ठीक है। अब बी के मई के अंदर कितने हैं पहले ये बताओ, पहले एक बार, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ टोटल आइटम्स सोल्ड बाई सेलर डी, डी के अंदर मई एंड जून, मई एंड जून एंड टुगेदर एंड टोटल आइटम सोल्ड बाई सेलर ए इन मार्च एंड अप्रैल टुगेदर, ठीक है, मार्च और अप्रैल, ठीक है, इनका सम और मई और जून इनका सम का डिफरेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। अब वापस स्टार्ट में क्या कह रहा है, सेलर डी की बात कर रहे हैं, जून के अंदर डी का जो है ना, डी के अंदर जून का ये मिस है, ठीक है, वो कितना है 50% ज़्यादा है इससे सेलर बी का, जो बी है ना उसका मई में कितना है, बी का मई के अंदर है 64, ठीक है, इसका 50% ज़्यादा है। अब देखो 50% क्या होता है, इसका आधा, तो डायरेक्ट करना है, इसका आधा कितना होता है 32 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 96 हो जाएगा, तो जून के अंदर आ गया डायरेक्ट 96, क्लियर हो गया। अब अपन को क्या पूछा है, डी का पूछा है मई और जून का, ठीक है, तो मई प्लस जून का डी का कितना आएगा, मई का 32, ठीक है, जून का है 96, कितना हो गया 8 9 3 12 128 हो गया डी का, तो और फिर पूछा है ए का, ए का कौन सा मंथ का पूछा है, मार्च और अप्रैल का, मार्च और अप्रैल का ए का कितना है, मार्च का 42 48, ठीक है, अप्रैल का 32, इनका ऐड कर देंगे तो ये 80 आ रहा है डायरेक्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, अब कुछ भी नहीं पूछा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 80 को अपन 100 बना देंगे, 20 20 28 48, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ी अच्छे लेवल की है तो आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे, दो क्वेश्चन और बाकी है, साथ में रहो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ आइटम्स सोल्ड बाई सेलर बी इन फेब एंड जून टुगेदर, ठीक है, फरवरी और जून का रेशियो पूछ रहा है बी का, टू आइटम्स सोल्ड बाई सी इन मई एंड जून टुगेदर। अब रेशियो किस किस का पूछ रहा है, फरवरी और जून, देखो फरवरी और जून, ठीक है, बी के अंदर दे रखा है फरवरी और जून, अब उनको पता है, ठीक है, उसका रेशियो पूछ रहा है सी के अंदर मई और जून, अब सी के अंदर मई और जून, तो मई मिस है। अब मई के लिए कुछ आगे लाइन बोली होगी, आगे पढ़ते हैं, इफ आइटम सोल्ड बाय सी इन मई, ठीक है, सी के अंदर मई के लिए बोल दिया, इस 33.33%
ऑफ आइटम्स सोल्ड बाई बी इन जून। अब देखो बी का जून का कितना है, उसका 33.33%, तो वो कितना होता है 1/3। बी का जून कितना है, बी का जून है 81, ठीक है। 81 का 1/3 कितना होगा 27, क्लियर। तो ये सी का आ गया 27 मई का। अब रेशो किस किस का पूछा है, बी और सी, ठीक है। हाँ बी के अंदर कौन कौन से मंथ, फरवरी और जून, ठीक है। तो फेब और जून का ऐड कर दो, फेब कितना है 42 और 81, 42 81 को ऐड करेंगे, 42 81 को डायरेक्ट ऐड कर दो, 3 8 4 12 123। और सी के अंदर बोला है, सी के अंदर मई और जून का, ठीक है। तो मई कितना है 27 और जून दे रखा है 36, इसको ऐड करेंगे 6 7 13 1 36, ठीक है। इसको काट देंगे 3 6 12, 3 1 3 3 2 6 3 1 3, तो आंसर क्या आया 41:21, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। जो बोल रहे हैं वो करना है अपन, पर अपन को डी आई सीखनी है, आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है, क्लियर है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोल रहा है, इफ़ एवरेज ऑफ आइटम सोल्ड इन अप्रैल, ठीक है, बाय ऑल द सेलर, ठीक है, अप्रैल के अंदर टोटल एवरेज कितना आ रहा है अप्रैल का, इज इक्वल टू एवरेज आइटम सोल्ड इन मार्च। अब मार्च का जो एवरेज है और अप्रैल का एवरेज इक्वल है, ठीक है। तो अप्रैल का एवरेज क्यों, ये इसलिए बोला है क्योंकि मार्च के अंदर बी की डाटा मिसिंग है ना, तो उससे निकल के आएगी। पहले अप्रैल का एवरेज निकाल देंगे अपन, ठीक है। तो अप्रैल का एवरेज शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, दोस्तों चार संख्या है ना, ठीक है, तो चारों को सबको पहले चार चार से डिवाइड कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे, और ऐसे ऐड करेंगे तो लंबा जाएगा। तो 32/4 करेंगे 8, मैं लिख देता हूँ 28/4, 48/4, भाई ये ओवरली हो जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। कितना हो गया 8 7 12 14, ठीक है। तो 8 7 15 प्लस 12 14 26, 26 से और ये कितना हो गया 41। तो अप्रैल का एवरेज कितना आ गया 41 टोटल एवरेज आ गया, ठीक है। अब मार्च का एवरेज और इसके बराबर है, ठीक है। तो मार्च का एवरेज कितना है वो निकालना है अपन को, 48 प्लस 24 प्लस 74 प्लस x, एक डाटा मिस है, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये 41 अप्रैल के एवरेज के बराबर है। अप्रैल एवरेज उसको 4 से करेंगे कितना आ गया, 4 एकम 4 4 16, तो ये 164 आ गया। इसका सम करेंगे अपन कितना आ जाएगा 24 और 48 72 72, इसमें ऐड कर देंगे प्लस x, और ये 164 इतना लिखना ही नहीं है, ऐड करना है, 14 4 18 आ गया, ठीक है। तो बी का जो मार्च का था ये आ गया, बी मार्च उसका डाटा आ गया, ठीक है, ये ऑल अप्रैल का है, 18 आ गया। आगे क्या पूछा है, देन टोटल आइटम सोल्ड बाय बी इन मार्च, ठीक है, बी का मार्च कितना 18, इज व्हाट परसेंट ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए इन मई, ठीक है, ए का मई का कितना है 36, ये कितना हो गया 1/2, 1/2 क्या होता है 50%, तो ऑप्शन नंबर बी, क्लियर हो गई डी ए डी, ठीक है। तो और किस टाइप की डी ए चाहिए आप कमेंट करना, अर्थमेटिक भी पढ़ेंगे अपन थोड़ा, पहले डी ए पे कमांड बना लेते हैं और पजल पे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करना, हैव ए नाइस डे।